कानपुर का एक व्यापारी शाम को घर लौट रहा था, जहां पर तीन पुलिस वाले उसे रास्ते में मिले। व्यापारी को रोका और थोड़ा पीट कर 5,30,000 रुपए लूट लिए गए। ऐसी ही खास खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जनमन न्यूज से। ब्यूरो चीफ करण शर्मा की खास रिपोर्ट। दीपू चौहान ढाबे के पास तीन पुलिसकर्मियों ने उसको रोका, जिसमें दो पुलिसकर्मी सादे वस्त्रों में थे और एक पुलिसकर्मी वर्दी में था, और उसको डरा धमका कर जबरदस्ती उससे 5,30,000 रुपए छीन लिए गए। इस सूचना पर सचंडी थाने प्रभारी के द्वारा जब जांच की गई तो उसमें सत्यता पाई गई। उन तीनों पुलिसकर्मियों की पहचान उप निरीक्षक यतीश कुमार, हेड कांस्टेबल अब्दुल राफे, ये दोनों सादे वस्त्रों में थे और वर्तमान में पश्चिम जोन मुख्यालय में तैनात हैं। उसके अतिरिक्त उप निरीक्षक रोहित सिंह, जो कि थाना सचेंडी पर तैनात हैं। इन तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल हिरासत में लिया गया। जो वादी हैं, पीड़ित हैं इस प्रकरण के, उनके द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।